नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जय हिंद जय भारत। आज हो गया दोस्तों 13 दिसंबर की जो 10 बड़ी खबरें निकल के आ रही है फटाफट एक एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान से कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है नागरिकता को लेकर, असम से बड़ी खबर निकल के आ रही है हिंसा, कुछ घटनाएं निकल के आ रही। इसी के साथ अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा ऐलान, पुनर्विचार याचिकाएं 18 की 18 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज हो गई हैं, समेत प्याज की बड़ी तो में हो गई है बड़ी कटौती। और इसी के साथ आपको बता दें कि झारखंड में तीसरे चरण मतदान को लेकर भी बड़ी खबर जानेंगे, महाराष्ट्र बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल चलते हैं एक एक खबर विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट के माध्यम से अपनी राय जय जय श्री राम श्री राम मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए विस्तार से जान लेते हैं आखिर कौन सी पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान को भारत की नसीहत, अपने यहां अल्पसंख्यकों के हालात पर दे ध्यान। दरअसल नागरिकता संशोधन विधेयक पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर कहा कि हमें नहीं लगता है कि हमें पाकिस्तान के पीएम के हर बयान का जवाब देने की जरूरत है, उनके सभी बयान अनुचित हैं। उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के बजाय पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट करके नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का विरोध किया था। इससे पहले भी पाकिस्तान संसद द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर अपनी भड़ास निकाल चुका है। खान ने ट्वीट करके मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि विधेयक दोनों देशों के बीच हुए समझौते के खिलाफ है और ये आरएसएस की चाल है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अयोध्या पुनर्विचार मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल की सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी। सीजेआई एस बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने 9 नवंबर को अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों ने न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंचोड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति ए एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल थे। संविधान पीठ के समक्ष चैम्बर में सिर्फ उन पुनर्विचार याचिकाओं का गौर किया गया है जो इस विवाद संबंधी 4 मुकदमों में पक्षकार थे। न्यायालय में दायर 18 पुनर्विचार याचिकाओं में से 9 याचिकाएं मूल पक्षकारों ने दायर की थी, जबकि शेष याचिकाएं तीसरे पक्ष ने दायर की थी। संविधान पीठ ने उन याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया जो मूल वाद में पक्षकार नहीं थे। संविधान पीठ द्वारा इन पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार से इनकार किए जाने की वजह से याचिकाओं पर खुले न्यायालय में सुनवाई पर अनुरोध खारिज हो गया है। फिलहाल अगर आप मानते हैं कि जो हुआ एकदम सही हुआ तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जो कि निकल के आ रही है प्याज के बढ़े दामों को लेकर एक बार फिर राहत की सांस। दरअसल सरकार ने 12,660 टन अतिरिक्त प्याज के आयात के सौदे को मंजूरी दे दी है। देश में प्याज की सप्लाई को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त 12,660 मीट्रिक टन प्याज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसको लेकर मिलाकर अब तक कुल 30,000 मीट्रिक टन प्याज के आयात के सौदे हो चुके हैं, जिसे अतिरिक्त प्याज के लिए सौदा किया गया है। वहीं 27 दिसंबर 2019 से देश में पहुंचना शुरू हो जाएगा। गुरुवार को उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्रालय ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त एएमएसटीएस अतिरिक्त 15,000 टन मीट्रिक के प्याज नए टेंडर भी जारी करेगी। तो इस तरीके से ट्रेन आने के बाद माना जा रहा है कि प्याज लगभग 10 से 20 रुपए किलो आ सकता है मार्केट में। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान खत्म, 17 सीटों पर 62.3% वोट पड़े। जी हां, वैसे झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है। खिल्ली, खिजड़ी, कोडरमा, बरही, बनकाव, माहू, हजारीबाग, सिमरिया समेत लगभग 17 सीटों पर कल मतदान हुआ है और मतदान का जो परसेंट है वो लगभग 62.23% हुआ है। आपको बता दें कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भी कई दिग्गजों के पूरी तरीके से यहां पर मतदाओं पर लगे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री झामुमो के, आजसू के प्रमुख और उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, राज्य सरकार के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, शिक्षा मंत्री नीरा यादव समेत 300 प्रत्याशी यहां पर दांव लगे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, खेल पर भारी पड़ी राजनीति, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर कर्फ्यू और विरोध प्रदर्शन, मैच हुआ रद्द। जी हां, दरअसल नागरिकता संशोधन बिल संसद में पास हो गया है। राज्यसभा और लोकसभा की बहस हिंदू बनाम मुसलमान को लेकर होती जा रही है, लेकिन इस बिल को लेकर असम और त्रिपुरा समेत कई जगहों पर काफी प्रदर्शन भी हो रहा है। वहां 24 घंटे के लिए इंटरनेट और मोबाइल फोन बंद कर दिया गया है। गुवाहाटी में तो कर्फ्यू लगा दी गई है। इसी की चपेट में रणजी ट्रॉफी के कुछ मैच भी आ गए हैं। जी हाँ, बीसीसीआई ने जिक्स का मैच भी रद्द कर दिया है।
रणजी के अलावा इंडियन सुपर लीग के मैच भी स्थगित कर दिए हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एसपी और चेन्नईयंस एफसी के बीच ये मुकाबला था गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में होने वाला था, जिसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर असम के नज़रबंदी केंद्रों पर हमला कर लोगों को रिहा कराने का खुफिया अलर्ट, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। जी हां, दरअसल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हो गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में खासतौर असम और त्रिपुरा में कुछ संगठन इस विधेयक के पास होने का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं खुफिया एजेंसियों का अलर्ट मिला है कि असम में बने नज़रबंदी केंद्रों पर हमला करके वहां रखे लोगों को रिहा कराया जा सकता है। इस तरीके से बड़ी इनपुट मिली है, खुफिया इनपुट, जिसके बाद पूरी तरीके से सेना अलर्ट पर है और चारों तरफ से सुरक्षा चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, उद्धव सरकार में मंत्रालयों का हुआ बंटवारा, एकनाथ होंगे गृहमंत्री तो अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया। जी हाँ, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में गठित महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार में लंबे इंतजार के बाद विभागों के गुरुवार को बंटवारा हो गया है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को राज्य का गृह, शहरी विकास, पर्यावरण, पीडब्ल्यू मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल गई। शिवसेना नेता सुभाष देसाई का उद्योग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा रोजगार मंत्रालय मिला है। एनसीपी नेता छगन भुजबल को ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, जल संसाधन और राज्य उत्पादन शुल्क मिला है। एनसीपी के एक और नेता जयंत पाटिल को वित्त और योजना मिला है। आवास, खाद्य आपूर्ति और श्रम मंत्रालय भी मिला गया है। वहीं कांग्रेस नेता बाला साहब थोरात को राजस्व, स्कूल शिक्षा, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्रालय मिला है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने कहा होली और दीपावली से भी बड़ा है ये पर्व। जी हां, आपको बता दें कि 7 साल पहले पाकिस्तान से जो आकर बसे हिंदू शरणार्थियों ने कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नागरिकता बिल को लाकर जिस तरीके से अस्थायी नागरिकता देने जा रहे हैं, हम उनके पूरी ज़िंदगी भर ऋण रहेंगे, और यही कारण है कि ये जो पर्व आया है ये होली और दिवाली से भी बड़ा है हमारे लिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर एक बार फिर से बड़ी खबर निकल के आई है, वो तेलंगाना मुठभेड़ की होगी न्यायिक जाँच, 6 महीने के अंदर जांच की कॉपी सौंपी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट पेश करने की 6 महीने की समय सीमा आयोग के समक्ष सुनवाई शुरू होने के पहले ही दिन से शुरू होगी। इसमें 6 दिसंबर की घटना की जांच करने के लिए जांच आयोग कानूनी के तहत सभी अधिकार प्राप्त होंगे। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े के स्वतंत्र जांच आयोग गठन करने का आदेश दे दिया है, जिसमें 3 सदस्य शामिल होंगे। इस आयोग की अध्यक्षता शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस बीएस सिरपुरकर करेंगे। जांच आयोग के अन्य सदस्यों में बंबई उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रेखा संडूरी बाल्टोरा और बीसीसीआई के सीबीआई के पूर्व निदेशक भी शामिल होंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पे निकल के आ रही एक बार फिर से लगभग दोहरा झटका, खुदरा महंगाई दर 3 साल के उच्चतम स्तर पर, औद्योगिक उत्पादन भी गिरा। जी हां, दरअसल अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को इस बार बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां मुद्रा स्फीति बढ़ी है, तो वहीं औद्योगिक उत्पादन भी घटा है। खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ने से नवंबर माह में खुदरा मुद्रा स्फीति की दर बढ़कर 5.54% पहुंच गई है, इसका 3 साल का उच्च स्तर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति इसी साल अक्टूबर में 4.62% और नवंबर 2018 में 2.33% थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार माह के दौरान खाद्य मुद्रा स्फीति बढ़कर 10.01% पहुंच गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर निकल के आ रही एक बार फिर से नागरिकता संशोधन में एक बार फिर असम अशांत दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी असम में जिस तरीके से सारे तहलका मचा हुआ है, असम की पूरी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस वहां के स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर ये सब कुछ काम करा रही है, और केवल कांग्रेस पार्टी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने पूरी बंदोबस्त कर दिए हैं, 1-2 दिन के अंदर सारे के सारे वहाँ के जितने भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं सब शांत होने वाले। दरअसल गृह मंत्रालय ने पूरी तरीके से वहाँ पर इंडियन आर्मी भेजी है और उन लोगों को शांत कराने की बात कही है। और आज कल पीएम मोदी ने झारखंड की रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड और असम, असम की जनता को किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके भाषा, बोली और उनकी कल्चर का पूरा ध्यान रखा जाएगा और मोदी सरकार किसी से खिलवाड़ नहीं करेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा आश्वासन भी दिया है। फिलहाल
आज की बड़ी खबरों दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। लेकिन जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण को रूपरेखा तैयार को लेकर जिस तरीके से एक बार फिर 18 के 18 जो पुनर्विचार याचिका थी जिस तरीके से निरस्त हुआ उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि पाकिस्तान को जो करारा जवाब मिला है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। बड़ी खबर में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय।